देखिए 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए AIMIM बिहार ने 11 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था और आज 5 और सीटों का ऐलान पार्टी कर रही है। चूंकि आम जनों का भी दबाव है, संगठन के पदाधिकारियों का भी दबाव है और हमें मुनासिब प्रत्याशी भी इन जगहों पर मिल रहे हैं और मैं समझ रहा हूं कि भाजपा को शिकस्त देने में जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां रही हैं उससे ज़्यादा हमारा जो कैंडिडेट है वहां ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। इसी वजह से हम लोगों ने इन 5 जगहों का आज ऐलान किया है। ये स्थान है काराकट है, पाटलिपुत्रा है, गोपालगंज है, शिवहर है और दरभंगा है। इन सीटों पर हम अपने पार्टी प्रत्याशियों को लड़ाएंगे और चूंकि मैं इलेक्शन में हूँ इसलिए पार्टी के पूरे कामकाज को पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट जनाब आदिल हसन एडवोकेट साहब देख रहे हैं, सब लोगों से विचार चल रहा है और पार्टी के कैंडिडेट का चयन हो रहा है। जहां तक काफ़ी दबाव है हमको मधुबनी में भी कैंडिडेट देने की, तो अभी पार्टी वहां के बारे में समीक्षा कर रही है, हम वहां के बारे में देखेंगे। एक बात का इनके साफ और इजहार कर देना ज़रूरी समझते हैं कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब की बेगम मोहतरमा हिना साहिबा, उनसे हम लोग की हमदर्दी है। वो अगर आज़ाद लड़ती हैं तो पार्टी कुल्ली तौर पर उनकी हिमायत करेगी। हम लोगों ने 16 सीटों का ऐलान किया था, 1 सीट को अभी हम लोग ने माइनस कर दिया है, गया को 15 सीटों पर हम लोग का 15 जी। सर क्या किसी गठबंधन किसी बिहार में किसी गठबंधन, देखिए बात चल रही है लेकिन क्या करें हम लोग, हम लोगों को तो अछूत बना कर रखा है लोगों ने, कुछ लोगों ने, बड़ी पार्टी के लोगों ने। हम लोगों ने पिछले दिनों में प्रयास किया था, हम नहीं चाहते कभी, चूंकि चाकू पे गिरे लौकी तो लौकी कटे, लौकी पे गिरे चाकू तो लौकी कटे। असल मामला ये है कि बीजेपी से और फिरकापरस्त पार्टियों सबसे नुकसान तो हमारा है, लेकिन जो लोग सो कॉल्ड सेकुलर हैं उसने भी कम हमको जख्म नहीं दिया है। लेकिन फिर भी हम इस वक्त चाहते हैं कि बीजेपी जैसी पार्टियों को NDA को रोकने के लिए एक लार्जर अलायंस बने। लार्जर अलायंस को तो पंक्चर कर दिया नीतीश कुमार जी ने, लेकिन हम इन इंडिया गठबंधन के लोगों से बार बार प्रयास करते रहे हैं और जाहिर है जो बातें मैं आज कह रहा हूं ये भी मेरे आग्रह को ही समझा जाए कि साहब हम आपका अंग बन के लड़ना चाहते हैं। इसके लिए हमने मुस्लिम संगठनों से भी गुजारिश की और दूसरे ऐसे सेकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन थे जो चाहते हैं कि बिखराव न हो, हमने उनसे भी निवेदन किया कि साहब हम अंग बनना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जो सेकुलर सो कॉल्ड पार्टियां हैं वो मुसलमानों को वोट को रखेल बनाकर रखना चाहती हैं। ये प्रॉपर शेयर देने के लिए कहीं भी तैयार नहीं है, ये नहीं चाहते हैं कि इसके दरमियान में कोई लीडरशिप खड़ी हो जाए। हम लोगों ने गोपालगंज में लड़ाया था, अभी पिछले दिनों में हमारे प्रत्याशी लड़े थे मुखिया असलम साहब, आज उनके साहब जाते हैं अनीस मियाँ पार्टी को ज्वाइन भी कर रहे हैं। हम लोग मजबूती से देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा हम पार्टी के प्रत्याशी वहाँ पर खड़े करेंगे, चूँकि हमारे साथ जो कुछ होना था जालिमों ने सब कुछ किया है। अब हमारे लोगों ने यह तय किया है कि जब तक अपनी सियासी कुव्वत हमारी नहीं होगी हमारी वकालत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूर पर नूह में हमारे 1200 मकानात माइनॉरिटीज के तोड़ दिए जाते हैं, कोई नेता वहाँ नहीं पहुँचता। 2500 किलोमीटर 3000 किलोमीटर की दूरी पर मणिपुर है, वहाँ जाकर राष्ट्रीय स्तर का नेता आंसू बहाता है। जो जाति आधारित गन्ना की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा अगर नौकरियों से किसी को वंचित रखा गया है तो माइनॉरिटी के लोग हैं। एज पर पॉपुलेशन शेयर हमारा 3,68,000 का शेयर होता है, जहां हमें 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से वंचित रखी गई। वहीं शेड्यूल कास्ट के भाइयों की नौकरी में हिस्सेदारी 4,02,000 होती है, 2,91,000 नौकरी देकर उन्हें भी 1,10,000-11,000 नौकरी से वंचित रखा गया है। तो दलितों के साथ और अकलियतों के साथ इंसाफ करने के लिए कोई तैयार नहीं है, इसलिए अपने राह को अलग बनाना हमारी मजबूरी हो गई। अरे मैं किसी बेशर्म गली के इन ओछे जुमलों की परवाह में नहीं करता। कौन लेगा मेरे नेता से सर्टिफिकेट? बैरिस्टर सुदीन अवैसी जितना सीना चौड़ा करके आंख से आंख मिलाकर BJP के तमाम तरह गलत नजरियात के खिलाफ बात करता है, दूसरे सेकुलर पार्टी में दम भी नहीं होती है। और मेरा लीडर आज का नहीं है, जाकर देखना हो कि माइनॉरिटी के हक और हुकूक के लिए दलितों के क्या लड़ाई लड़ रहे हैं बैरिस्टर सुदीन अवैसी, वो हैदराबाद देख कर क्या है। BJP के गोद में खेलने वाले असल इनको ये जुमले इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे मासूम वोटों को इनको बहकाना है।
बीजेपी की बी टीम नहीं, यही नीतीश कुमार जी, आपके सामने सबूत है, यही नीतीश कुमार जी अभी आए थे गठबंधन में तो बीजेपी की बी टीम कहते हुए नहीं थकते थे। धर्मगुरुओं को, रिटायर्ड ऑफिसर्स को, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को लेकर मीटिंग कर रहे थे। पूर्णिया में गए समाधान यात्रा में, समाधान कुछ भी नहीं, 0%, और वहां पर सारी बातें हमारे खिलाफ कहने के लिए गए थे। ये लोग हैं जो लोग बेशरम लोग हैं, वो इस तरह की जुमलेबाजी करके हमारे मासूम वोटों को कहीं ना कहीं से गुमराह करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों ने अभी एक्सरे रिपोर्ट ही नहीं बल्कि पैथोलॉजिकल पूरी रिपोर्ट पढ़ ली है के साहब। ये लोग माइनॉरिटी को कहते रहे कि इंसाफ देंगे, न कभी टिकट में उनका हिस्सा दिया, न उनको नौकरी में हिस्सा दिया, न वजारत में हिस्सा दिया, न डेवलपमेंट में हिस्सा दिया, न उनके इलाके में स्कूल खुले, न उनके नौजवानों को रोजगार मिले। यही वजह है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बुरी हालत अगर किसी की हुई है तो वो दलित भाई तो पहले से दलित थे, लेकिन मुसलमानों की हालत इतनी अच्छी थी उसको दलित के कगार पर पहुँचाने वाली यही सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ हैं जिसको हमारी आवाज़ उठाने पर तकलीफ हो रही है।